कहने पे हम चलते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, तो बहुत उदार होता है। ये दलितों के भगवान हैं और दलितों के भगवान हैं, बाकी दलितों को किसी अन्य देवी देवता या किसी भी भगवान की मान्यता नहीं माननी चाहिए, सिर्फ बाबा साहब ही है। आपके साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। हाँ। और कोई इसके पीछे कारण नहीं है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, उन्होंने अधिकार दिलाए हैं हमें, हमें कितना दबाया जाता था, किस लायक थे हम, आज कितना ऊंचा कर दिया हमको बाबा साहब ने, उन्हीं की बदौलत है। हमारे यहाँ धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है, उनकी पूजा नहीं करती? विद्या की देवी सरस्वती कैसे हो सकती है? हमें तो यही पढ़ाया गया ना, विद्या की देवी हमें पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, डॉक्टर अम्बेडकर पति वो विद्या की देवी थी, हमें ये सब मतलब हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें लात मार देते थे, झाड़ू बांध देते थे, आगे हांडी बांध देते थे, जब कहाँ था ये सब बाबा अम्बेडकर के पुजारी हैं, बाबा अम्बेडकर कब से छोड़ दिया आपने, अभी छोड़ा या क्या? मंदिर हम लोग और हम लगभग 25 साल से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इसी साल में मना रहे हैं, जबकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे, आज की तारीख में तो कम से कम लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और हम लगातार जो ना देसी घी का हलवा बाबा साहब के नाम पे यहाँ लोगों में वितरित करते हैं, लोग बाहर बाहर से दूर दूर से आते हैं, उनके सुबह क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह का सब कुछ इंतजाम नहीं होता तो लोग पूरा स्पेशल हलवा देसी घी का बंटवाते हैं, और हम लगातार ये कार्य करते रहेंगे जब तक हमारे प्राणों में दम है, बाबा साहब के नाम पे हम सब लोग इकट्ठा है। SC ST के लिए बैंक में क्या काम रहता है? SC ST के लिए बैंक में बहुत सारे काम है, प्रमोशन में दिक्कत होती है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है हमारे यहाँ, ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हरासमेंट है कास्टिज्म के नाम पे, अभी भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं बैंक में होती रहती है, तो उसके लिए हमारी ऑल इंडिया में फेडरेशन बनी हुई है जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे 6,000 के करीब एम्प्लाई है, और हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनके साथ किसी तरह का भी उत्पीड़न होता है हम इमीडिएट अपने लोगों से बात करते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे GM साहब जो बैठे हैं वो सेंट्रल बैंक के SC ST से ही बिलोंग करते हैं, और बहुत ही दमदार एक GM हमारे सेंट्रल बैंक में है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमेशा जातिवाद ना करके सबको एकीकृत करें, कभी किसी को बड़ा छोटा ना मान के हमेशा बराबर समझें, और कभी भी ये होता है कि अधिकतर बंदे धार्मिक बन जाते हैं, अलग अलग धर्मों में बढ़ते हैं, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको मानो जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, जैसे कि बाबा साहब ने इतना कुछ करा हमारे लिए, संविधान बनाया, संविधान नहीं होता तो आज की डेट में अभी भी गुलामी कर रहे होते हम सब। पूरी भीड़ इधर आप देख सकते हो किस तरह से, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग, मैं कुछ लोगों से बात कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यहाँ पापा ने बताया था, मतलब पिछले 5 सालों से मतलब हमारे संविधान निर्माता रहे हैं और पूरे भारत के निर्माता रहे हैं, तो इस वजह से बैठे हुए हैं बाबा साहब के लिए, और ये भीड़ नहीं है, ये उनके भक्त है जो सुबह से आए हुए, अभी तक खुला भी नहीं है, अभी VIPs केवल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका हौसला कम नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए आप देख सकते हो, तो ये बाबा साहब की जयंती है मनाने आए हैं, सुबह से यहाँ पे खड़े लाइन में खड़े, जब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ फिर भी लोग खड़े, तो मैं एक बार मैं इनसे भाई साहब से बात कर रहा हूँ। हेलो भाई साहब, कहाँ से हैं? हम जी जिला हरिद्वार से। हरिद्वार से जी? क्या आप क्यों आए यहाँ पे? यहाँ बाबा साहब की पुण्यतिथि पर आए। अच्छा, जन्म दिवस पर। मैं नोएडा से आया हूँ और लास्ट 15 ईयर से आ रहा हूँ। दलितों के एक ही भगवान है बाबा? एक ही भगवान है और बाबा साहब है। आप क्या संदेश देना चाहते हो राष्ट्र के नाम? मैं राष्ट्र को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दलित एकजुट होकर के अपनी एकजुटता दिखाएं और बाबा साहब के नाम को रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। जैसा कि आप ये UP से आए, तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे इलेक्शन के अंदर क्या माहौल है, किस चीज़? देखिए, अन्य दल हैं जो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दलितों को बहकाने में, लेकिन हमारा समाज जागृत हो चुका है पूरी तरीके से, और ये जादू चलने वाला नहीं है और उनको सबक मिलेगा। आप कहाँ से आए? हम मंडावली से आए हैं। मंडावली कहाँ? दिल्ली में? दिल्ली में, जमुना पार। आप क्यों आए, किस आपको प्रेरणा कैसे मिलेगी यहाँ आना चाहिए? कैसे मिलेगी? प्रेरणा तो हमें है, हम बाबा साहब को मानते हैं, इन पर माला चढ़ाते हैं। हाँ, यहाँ आने से कुछ चेंज होगा, कुछ बदलेगा, बदलाव होगा? अब बदलाव तो देखो, ये पब्लिक बदलेगी तो हम
तो बदले ही हुए हैं। इतनी भीड़ पूरी दुनिया भर से आई हुई है यहाँ पे, नई नॉट ओनली दिल्ली से बल्कि यहाँ पे पूरे भारत से लोग आए हुए हैं और ये केवल इंतजार करें कि कब मतलब बाबा साहब की मूर्ति को पुष्प अर्जित करें। सबको संसद में उससे क्या मतलब प्रेरणा मिलती है, क्या लेके जाओगे यहाँ से, क्या सीख के जाओगे यहाँ से? यहाँ से तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब लोग आते हैं, संसद में इकट्ठे होते हैं, हम भी ये देखते हैं कि हमारा हमारा आदमी भी संसद में पहुँच गए या हमें कौन संसद में घुसने देगा। इसमें है और केवल बाबा साहब बाबा साहब। तो मैं एक महिला, आप कहाँ से आए? मोदीनगर से। मोदीनगर से आप क्यों आए, मतलब क्या क्या वजह है आने की? बाबा साहब ने सबको मिलाया है, इतना अच्छे से बताया कि पढ़ो लिखो, माता वाता कुछ नहीं होती, अच्छे से बोलो। संसद भवन जो देश की सबसे ऊंची इमारत है और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है, उस स्टैचू को मान वंदना देने के लिए हम सभी समता सैनिक दल, जो कि बाबा साहब द्वारा स्थापित संगठन है, जिन्होंने बाबा साहब ने उनकी स्थापना की थी, वो संगठन आज भारतवर्ष में फैला हुआ है। सभी भारत के प्रतिनिधि जो अलग अलग स्टेट से है, वो सभी प्रतिनिधि आपको यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान वंदना देने के लिए संसद भवन में आए हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं सुनील सारीपुत्र, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय नेशनल को ऑर्गेनाइजर हूँ। और समता सैनिक जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने उनको नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, जो बुद्धिज्म में है, जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा का संदेश जो है वो उनके मनों में पिरोया जाता है। महाराष्ट्र से दिग्विजय बनते और ये सब सामने जो है समता सैनिक दल के ही सैनिक है, जो नीतिमत्ता जो है तथागत ने जो मार्ग बताया उसके ऊपर चलने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये देश में जहाँ कहीं भी एट्रोसिटीज होती है, चाहे खेरलाइन जी हो या फिर जो भी जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज हो, वहाँ समता सैनिक दल दौड़ के उनको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। की तादाद बड़ी संख्या में आए हैं, बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं जो गोद में बच्चे लेके धूप में भी खड़ी है। तो मैं कुछ महिलाओं से बात करना चाह रहा था। तो आपका नाम क्या है? कुसुम। कुसुम जी है जो छोटे बच्चे के साथ आई हुई है। तो आप यहाँ से कैसे? बाबा साहब जयंती है इसलिए। तो नहीं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि भगवान सिर्फ हमने मूर्ति बना के उसमें रख दिया है, वो कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। अगर हमारे पास कुछ कठिन समय आ जाए तो कोई हमारे वो नहीं आएगा, लेकिन बाबा साहब ने हमें हमारे अधिकारों की रक्षा की है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ने का मौका दिया। के रूप में आए थे तो उनको पूछना सबसे बड़ी बात है। महिलाओं के लिए जो आज यहाँ पे घर से निकालना बाबा साहब ने कराया, नहीं तो हम महिलाओं को अंदर कमरे में बंद रखा जाता था, वो हम संसार को नहीं देख सकते थे, किसी मनुष्य को नहीं देख सकते थे। बाबा साहब ने हमें वो संघर्ष दिला दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है कि महिलाएं जो आज बाहर आई है निकल के, वो केवल और केवल बाबा साहब की वजह से है। हमारे लिए इतना क्या है, हमारे तो वो मुक्तिदाता है, सब कुछ है, हमारे तो भगवान है। तो भगवान के लिए तो भगवान तो वो होते हैं ना जो मंदिरों में होते हैं, मूर्तियाँ वूर्तियाँ लगी होती है। नहीं नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया थोड़ी ना है। तो उनको आप नहीं मानते? नहीं, केवल और केवल हमारे भगवान बाबा साहब। धन्यवाद। देखिए सब लोगों का यही कहना कि हमारे भगवान केवल बाबा साहब है। और देखिए कितनी दूर में कई दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो मैं आपकी कुछ और बात करवाना चाह रहा हूँ किसी और से। जी, कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमेशा जातिवाद ना करके सबको एकीकृत करें, कभी किसी को बड़ा छोटा ना मान के हमेशा बराबर समझें। और कभी भी ये होता है कि अधिकतर बंदे धार्मिक बन जाते हैं, अलग अलग धर्मों में बढ़ते हैं, उसमें कुछ फायदा नहीं है। उसको मानो जो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, जैसे कि बाबा साहब ने इतना कुछ करा हमारे लिए, संविधान बनाया। संविधान नहीं होता तो आज की डेट में अभी गुलामी कर रहे होते हम सब। देखिए भीम की दीवानी सर चढ़ के बोल रहे लोगों ने, आज इस बाबा साहब के जन्मदिन पे देखे लोगों की दीवानगी, देखे ये सब भीम बने बैठे, देखे देखे दीवानगी, सब लोग जय भीम कर रहे हैं। और ये भीम के सैनिक है, ये आज नहीं मानेंगे। आज होली सा दिवाली सा माहौल हो रहा है, माहौल बन गया है।
इस मौके पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब न केवल गरीबों के मसीहा थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में एक जन साधारण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। और जो ये जयंती है, जितने विशाल स्तर पर बाबा साहब की मनाई जाती है, पूरी दुनिया में कितनी किसी भी अन्य नेता की इतनी बड़ी जयंती नहीं मनाती। लोगों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और जितना कार्य उन्होंने समाज में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, महिलाओं के लिए किया, इतना भारतवर्ष में किसी भी दूसरे नेता के द्वारा नहीं किया गया। और जो आज लोगों में खुशहाली है, वो जो उन्होंने भारत का संविधान लिखा, सबको वोट का अधिकार दिया, हाँ, रिजर्व बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्तमान में इसका स्वरूप है, उसका बाबा साहब का ही ये सोच थी, परिकल्पना थी, जो उन्होंने इसको मूर्त रूप दिया। और अपने जो लेबर वर्कर्स के 12 घंटे की वर्किंग थे, उसको उन्होंने 8 घंटे दिया। और महिलाओं को भी जो मैटरनिटी लीव थी, उसका भी उन्होंने प्रावधान किया। तथा जब वो श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत ही कार्य किया, जो कि अभी वर्तमान में भी फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं के फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैं जो है दूसरा, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और इस संविधान की बदौलत ही भारत आज एकजुट है और भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तथा इसमें गरीब लोगों का भी उद्धार हुआ है, हो रहा है। तथा जो आज गरीब लोग जो हैं, दलित, वंचित तथा ज़रूरतमंद लोग हैं, जितना उनके चेहरे पर आज के दिन खुशी महसूस की जाती है, वो अन्य किसी भी अवसर पर नहीं। तो मैं जो है बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।